मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। नवंबर 2023 से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर लागू होना था, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने इतना भीषण हमला किया है कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हमले में मार दिए गए हैं। सीज फायर लागू होने से महज कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज फायर लागू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब इस बात से खौफ में हैं कि कहीं सीज फायर की डील टूट ना जाए। हम आपको सीज फायर डील के दौरान हुए इस हमले की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चार दिन के सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा हमास को होने जा रहा था। लेकिन इसराइल की आईडीएफ ने गाजा में बड़ा हमला करके हमास को सीज फायर के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हमास का लादेन दक्षिणी गाजा को इजरायली हमलों से बचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके मंसूबों पर अब इजरायल ने पानी फेर दिया है। गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कहां कहां हमले किए हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और क्यों खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार इजरायली हमले के बाद भाग गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक के 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पैतालीस हजार हमास लड़ाकों में से 10,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक 80 मीटर गहराई में मौजूद हमास के 400 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। जबकि हॉस्पिटल, मस्जिदों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों के नीचे बनी 300 से ज्यादा सुरंगों को आईडीएफ ने बम लगाकर उड़ा दिया है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ कि इजरायल ने सीज फायर के डील के दौरान फिलिस्तीन के 200 लोगों को मार दिया। मिडिल ईस्ट की मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों ने गाजा में भारी तबाही पिछले 24 घंटे में मचाई है। इजरायल की जबरदस्त बमबारी में पिछले 18 घंटे में 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में घरों, इमारतों और आवासीय इलाकों को बुरी तरह से तबाह किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आधी रात के तुरंत बाद गाजा पट्टी में आवासीय घरों को निशाना बनाया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। कई लोग अभी भी लापता हैं। माना जा रहा है कि कई दर्जन लोग मलबे में दबे हुए हैं।
गाजा शहर के शेख राडवान में दो घरों पर हवाई हमलों में कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस हमले से पहले उत्तरी शहर जबालिया में इजरायली बमबारी में दर्जनों लोग मारे गए थे। गाजा अधिकारियों के मुताबिक 4 दिनी सीज फायर समझौते के बाद इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में हमास के समझौते के बाद हमलों की ताजा लहर तब आई जब इजरायली सैनिकों ने लगातार तीसरे दिन गाजा पट्टी के उत्तर में इंडोनेशियाई अस्पताल को घेर रखा है। इजराइल इज एट वॉर विद हमास। दिस इज अ वॉर दैट वी डिड नॉट स्टार्ट एंड वी डिड नॉट सीक। एन ऑपरेशनल पॉज फॉर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस डज नॉट चेंज इट। Israel is still at war with Hamas, and we are committed achieving our goals. Defeat Hamas and bring all our hostages home. मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। अब सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल सीज फायर डील के दौरान भी हमले लगातार तेज कर रहा है तो फिर ये सीज फायर लागू कैसे होगा? पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याहया सिनवार उठाना चाहता है। इसराइल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इसराइल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याहया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। इस रणनीति के तहत खान यूनिस का लादेन कहा जाने वाला याहया सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनिस सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है और माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी करने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट्स से समझ लीजिए। हमास का लादेन याहया सिनवार उत्तरी गाजा की बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर क्यों जोर दे रहा है? गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब दक्षिणी गाजा में ही हमास काफी हद तक इजरायली सेना को टक्कर देने की कोशिश में है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर के दौरान IDF बेहद सीमित ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में ही कर पाएगी। खान यूनिस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसेरात, अल बुरायज और दील अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पाएगी। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो जाएगी और इसका नुकसान IDF को ये होगा कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच जाएगा और हमास का लादेन याहया सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत कर देगा। इजरायली मीडिया का ये भी दावा है कि इसीलिए दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के आसपास इजरायली सेना सैकड़ों टैंक तैनात करने जा रही है ताकि हमास के टॉप कमांडर याहया सिनवार को अपने लड़ाके मजबूत करने का वक्त ना मिल पाए। मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। मरते मिटते और भागते हमास अभी भी उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर अचूक वार कर रहा है, जो ये साबित करता है कि अगर इजरायल ने सीज फायर ज्यादा लंबा खींचा तो हमास इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा जरूर करेगा। इस वक्त हमास की अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके RPG, थर्मोबेरिक ग्रेनेड और रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं।
इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अलकसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफल हैं, उन्हें देखकर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेट से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या तो टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हुए हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। نطمئن شعبنا والشعوب الحرة حول العالم بأن المقاومة الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام بخير وهي تتحكم وتسيطر على الوضع القتالي في الميدان وتدك العدو وتجمعاته على مدار الساعة وفقا لخططها الدفاعية المعدة بإحكام قبل أن يبدأ هذا العدوان. गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। इधर इजरायल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास के प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायल की सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया है। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर वाले रास्ते से हमले कर रहे हैं। आईएएस और आईडीएफ की खुफिया जानकारी के आधार पर एक आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मक्सीब को मार डाला है। आईडीएफ के मुताबिक अबू मक्सीब के मारे जाने से पहले इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमले करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को आईडीएफ ने मार डाला था। अब देखना होगा क्या इजरायल 4 दिन के सीज फायर पर टिका रहता है या फिर वो हमास को 4 दिन के सीज फायर डील के दौरान भी इसी तरह से मारता रहेगा।